The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. विदिशा जिले में पटेल संघ के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में किसानों ने कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पटेलों के सम्मान बरकरार रखने व साथ ही साथ उनकी समस्याओं को दूर करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि गांव में किसान पटेल से रूप में जाना जाता है व उनकी समस्या दूर करना सरकार व साथ ही साथ प्रशासन की प्राथमिकता होती है। वर्ष 2018 व 19 के फसल बीमा जो अब तक किसानों को नहीं मिला है, जल्द दिलाने की मांग की है। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक द्वारा अधिकांश किसानों के खातों में होल्ड लगाया गया है, जिससे राशि का स्थान किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर पा रहा है, जबकि वह राशि उसी की बेचने व साथ ही साथ फसल की राशि है। ज्ञापन में उठाई गई मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। ऐसा ना करने की सूरत में आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए रवि चौरसिया की रिपोर्ट। पटेल प्रदेश अध्यक्ष पटेल संघ, आज की जो मुख्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि समय रहते आप ग्राम के पटेलों की तरफ ध्यान दे लें, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पटेल लोग आंदोलन की राह पकड़े, पटेल लोग को ऐसा मार्ग अपनाएं जिससे आपको भी परेशानी हो और पटेलों को भी परेशानी हो। इसलिए हमने सरकार को चेताया है कि ग्राम के सच्चे सेवक जो कि ग्राम के अंदर हमेशा से बिना किसी मानदेय के, बिना किसी लोभ लालच के और ग्राम की सेवा करता आया है, उस पटेल को आप प्रोत्साहित करें, उसे मान सम्मान दें, उसे मान दें, वरना पटेल लोग आंदोलन की राह पर।